श्री राघव बड़ा ही आनंद आ रहा है और प्रोग्राम धीरे धीरे ऊंचाइयों को छूते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। आइए, कवि लिख रहा है क्या गौरव कभी ने लिखा चार लाइनों में कैसे भैया गौरव क्या बता दिया। करियो एक समय यही टाइम ब्रज की गोपिकाएं जब दद लेकर के जाती हैं तो कन्हैया गैल में मिल जाते हैं और ग्वालिन से कहते हैं, ग्वालिन इस मटकी में क्या है। ग्वालिन ने जवाब दिया, माखन। कहां ले जा रही है याखन, थोड़ा सा हमें भी चखाओ ना। तो आज सखियां आपस में बातें कर रही हैं कि बहन एक दिन कन्हैया ने कहा करियो मास्टर क्या लिखा भैया जी। और दिल ले गया परदेसी कोई रोकना था। और सखियां क्या कह रही भैया जी, और मुत कर गया है। और सभी से निवेदन, ब्रह्म मुहूर्त में सुस्ती को खोलते हुए फुर्ती में आ जाओ। और पहलवान जी, अजी पहलवान जी का भट्टा एक बतरा रहे हैं, काय की बतरा रहे हैं, सुस्ती खोलते हुए फुर्ती में आ जाओ और एक बार जयकारो दे दो, बोल बंसी मारे की जय। क्या बात है, क्या लिखा मास्टर। और मुत कर गया चोरा चोरी ये चूंदर फार दिए, और पीछे से बहन का करो या कन्हैया ने एक दिना, और पीछे से आई के बहन उंगरिया तार गई है। Oh,
संबोध कर रहे गौरव भैया नंदे को लाला मोकू लागे बड़ो प्यारो ए कुआ पूजा भाई दम तो पे भई ये सज्जनों यही टाइम था। आप जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं ऐसे ही एक दिन बंसी वाले का दरबार लगा हुआ था। उस दरबार के अंदर मुरली वाले सिंहासन पर विराजमान हैं। इधर में सतभामा 36 प्रकार के भोजन बनाकर के मुरली वाले के सामने लाती है। और आज जैसे ही कन्हैया ने सतभामा की तरफ देखा एकदम देख करके और सतभामा को हंस जाते। सतभामा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सतभामा ने विचार किया एक कन्हैया या तो मेरे भोजन में कमी रह गई या फिर मेरे श्रृंगार में कमी रह गई। आप हंसे हंसने का कारण अवश्य होगा। मुरली वाले ने कहा सतभामा ऐसी कोई बात नहीं जो तुम समझ रही हो। और अगर मेरा हंसने का कारण पूछना चाहती हो ना तो सुनिए अपने दिल पर धैर्य रखना। मैं जिस बात को बताने के लिए जा रहा हूं कहीं आपको ऐसा ना लगे अच्छा ना लगे। कहा कन्हैया उस बात को बताइए तो सही वो हंसने का कारण है कौन सा। तो सुनिए जब त्रेता युग गया तो त्रेता युग में मैं राम था। तुमसे भी सुंदर तुमसे भी अधिक मुझे प्रिय थी सीता। जब सीता का नाम सुना एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी सतभामा प्रभु क्या कहा तुमने सीता और मुझसे भी सुंदर। हाँ तो प्रभु सुनिए क्या कह रही है सतभामा क्रोध में आकर के गौरव भैया कैसे सतभामन रे सतभामन रे अरबा मन मोहन ती ऐसे बचन रे अरे उचारो है और बहुत देर ते सीता को गुणगान कर
दुनिया लखन नजारो सीता मोते मलुक नहीं लखन सुनिए जब से रसदे सृष्ट विधाता ए सतभामा जिसका मुझे डर था आपने वही बात कह दी। जब से रसदे ये सृष्ट विधाता एक अटल सत्य बड़ भारी है और एक नार को देख खुशी भई कबहु ना दूजी कै सूरत और श्रृंगार सूरत और श्रृंगार नार को खुद ही लग रहे हो प्यारे और बाबा फिर मुस्काए गए बंसी। मुरली वाले फिर असगे बात को कह करके सतवा माँ का क्रोध सांत्री हुआ और भैया गौरव क्या कह रही है मासा हेरे सुंदर सुगड़ी सुहामिनी और सतभामा मेरो नामी हेर करो पढ़ाई मेरे और रूप की यहाँ एक नैया तुम्हारे सिवा मेरे सिवा कोई नहीं और बार बार आप एक बात को कहते हो कि सीता इतनी सुंदर थी। सुनिए सुंदर सुगड़ी सुहामिनी सतभामा मेरो नामी हेर करो पढ़ाई मेरे और रूप की यहाँ और कहा सीता को और मुरली वाले बातें कर रहे हैं आपस में तो इतनी बातों को सुनकर के कहानी ने एक मोड़ ले लिया और वो मोड़ क्या ले लिया भैया गौरव क्या ले लिया मासा अरे इतनी सुन के और करुण फिर आयो और मोहन ते बचन सुना और मोहन ते बचन
रहे हो कि सीता इतनी सुंदर थी। प्रभु उस त्रेता युग में मैं स्वयं मौजूद था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सीता कितनी सुंदर थी। और प्रभु गरुड़ मोहन की बात सुनी, मत खाली करो भजीता। और मास्टर जब इतनी बात को सुना तो गरुड़ कह रहा है, प्रभु उस बात को क्यों नहीं बता रहे जो लंका के अंदर आपके साथ क्या हुआ था। तो आज गरुड़ बता रहा है कि प्रभु शायद तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं कि लंका के अंदर आपके साथ क्या हुआ।
ने कहा ए प्रभु उस समय को याद करिए जिस समय लंका के अंदर आपके साथ हुआ क्या था। जब इतनी बातें बंसी वाले में और सतभामा और गरुड़ में चल रही हैं तो यहां से भी एक कहानी ने मोड़ ले लिया। काय कह रहे कछुना साहब नु कह रहे हैं जीजा बंद है जाओ जीजा बंद है जाओ। हाँ जी सज्जनों आज इधर में जब बातें चल रही हैं तो होता क्या है कि गरुण मोहन की बात सुनी तो चक्र सुदर्शन आयो और हाथ जोड़ के मनमोहन के ऐसे वचन सुनायो है कि छोटो मुंह और बड़ी बात प्रभु छोटो मुंह और बड़ी बात तुम्हें नाय लगेगी अच्छी पर प्रभु बात कहूंगो सच्ची। प्रभु मेरे भी मन में ख्याल आ रहा है बंसी वाले विचार कर रहे कि सतभामा तो अभिमान हो गया अपने रूप के ऊपर कि भाई मेरे बराबर इस संसार में सुंदर स्त्री है ही नहीं और गरुण कह रहा है कि प्रभु मेरे सिवा तुम्हारी कोई सवारी कर नहीं सकता और चक्र तू का कह रहो कि प्रभु मेरे मन में एक बात आ रही है। कहा आ रही है भैया गौरव क्या लिखा और तैमू छनमीता भाई इन तीनों के अब अंदर अभिमान के अंकुर पैदा हो गए। बंसी वाले ने कहा सुनो तुम तीनों यहीं बैठ जाओ सतभामा और गरुण और चक्र सुदर्शन जब मेरा समय आएगा मेरा वक्त आएगा मैं जिसको बारी से बुलाऊंगा उसको मेरे पास आना पड़ेगा। समय निकलता गया वक्त आता गया कुछ समय बाद मुरली वाले सर्वप्रथम गरुण को पास बुलाते
और भैया जी गर्व से क्या कह रहे हैं भैया गौरव क्या रखा अभिमान देख के रे अभिमान देख के रे और तीन उनको और श्याम के संचय और भारो है और अभिमान भगत को प्यापे गोनियों बल है सुन अपनी प्यारी सतभामा को अपनी प्यारी सतभामा को हम हाथन के श्रृंगार बनाएंगे और जूड़े के गजरा को हम तो फूल अनोखे लगाएंगे के बल की तो में कमी ना आए बल की तो में कमी ना आए मेरो इतनो हुक्म बजा दे फूल अनोखे गरुड़ ने कहा प्रभु बस इतनी सी बात है बाएं हाथ को काम है जो तो बताओ मिलेंगे कहा मुरली वाले कह रहे जब मैं मंगाए रहूं तो मैं जो बता सकूंगा कहा मिलेंगे अब सुन अब गरुड़ के लिए बता रहे बंसी वाले कैसे भैया गौरव समझ मिले फुलबारी और फुल बगिया की सुंदर पाखी बात को सुनकर और भैया हुआ क्या कि आज्ञा लेके चलियो गरुड़ आज्ञा लेके चलियो गरुड़ फिर विकट बनी में आओ
कही श्यामने बाकुं पैसोई बगीचा के फूल के बरा और मोगरा, फूल के बरा और मोगरा, ये बगिया है अलवेली को। और बाबा यहाँ खिल गयो फूल चमेली को, ई माना खिलो पहलवान जी छज्जे ऊपर बोयो बाजरो, ई यहाँ खिलो चमेली को फूल। और भैया अब गर्व उस बाग को निहारा है, बगिया को निहारा है, कसायत मुझे बंसी वाले ने इसी बगिया का पता बताया है। जो बताओ कथा समझ में आ रही है कि बेसी बाजरो मृदंग।